पाकिस्तान को भारत से अलग हुए भले ही 75 साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात क्या हैं और भारत कैसे दिनों दिन आगे बढ़ रहा है वो पूरी दुनिया ने देखा है। पाकिस्तान और भारत का तो कहां राजा भोज और कहां गंगूतेली वाला हिसाब किताब है, लेकिन एटीट्यूड में कोई कमी नहीं है। है इनके घर में कुछ नहीं, लेकिन दिखाना ऐसा है कि भारत से बराबरी क्या, हम तो भारत से भी ऊपर हैं। हाँ सही बात है, होंगे आप ऊपर, हम तो नीचे ही ठीक हैं, जमीन से जुड़े हुए। क्योंकि भारत दिखावे में नहीं बल्कि एक्शन में बिलीव करता है और दुनिया जानती है कि भारत कितना काबिल है और उसके आगे पाकिस्तान आखिर चीज क्या है। आतंकियों से भरा पड़ा है पाकिस्तान, भारत को तंग करने के लिए खर्चा तो पूरा आतंकियों को देने में हो जाता है, तो भला पाकिस्तान की जनता पर क्या खर्च करेगी और कैसे खर्च कर पाएगी पाकिस्तान की सरकार। फिर खिलाड़ी भी तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, खिलाड़ी तरस रहे कि एक मैच हो जाए हिंदुस्तान में तो कम से कम कुछ रकम तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन कबूलेंगे नहीं इस बात को, दिखाएंगे ऐसे कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा खेलने तो हम भी नहीं जाएंगे भारत। मत आओ, नहीं बुलाया जा रहा तुम्हें, हमारे पास वजह है पाकिस्तान न जाने की, हमारी अपनी सुरक्षा। तुम्हारी भारत न आने की वजह सिर्फ तुम्हारा घमंड है, वो भी कितने दिन टिक पाएगा नहीं पता, क्योंकि एक एक कर जिस तरह से पीसीबी की पोल खोली जा रही है उससे तो लग रहा है जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जी, पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ने पीसीबी को धोया था और अब बारी थी पाकिस्तान महिला क्रिकेट की कप्तान बिस्मा मारूफ की। उन्होंने तो पीसीबी की खराब हालत की पोल खोल कर रख दी। दरअसल पिछले कुछ साल में महिला क्रिकेट फैंस के बीच में काफी लोकप्रिय हो गया है, ऐसे में कई क्रिकेट बोर्ड महिला क्रिकेटर्स को पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर वेतन देने पर भी विचार कर रहे हैं। भारत और न्यूजीलैंड जैसे क्रिकेट बोर्ड तो ये ऐतिहासिक फैसला ले भी चुके हैं, लेकिन इन सब बोर्ड्स के बीच में एक बोर्ड ऐसा भी है जिसकी पोल उसी बोर्ड की महिला प्लेयर ने खोली है। बिस्मा मारूफ ने पीसीबी पर आरोप लगाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 8 साल से वेतन नहीं बढ़ाया है। जी, लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि महिला क्रिकेटर्स भी काफी ज्यादा मेहनत करती हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में महिला क्रिकेट को भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की बराबरी करने के लिए काफी तरक्की करने की जरूरत है। साथ ही बिस्मा ने ये भी कहा, बोर्ड ने खिलाड़ियों को कुछ इनाम जरूर दिया है और साथ ही अच्छी कोचिंग सुविधाएं भी दी हैं, लेकिन वेतन न बढ़ाना जरूर खटक रहा है। और ये पहला मौका नहीं है जब पीसीबी पर इस तरह के पैसे खर्च नहीं करने के आरोप लगे हों। अभी हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीसीबी को खरी खरी सुनाई थी। अफरीदी ने शाहीन शाह अफरीदी के इलाज को लेकर पीसीबी को धोया था। उन्होंने कहा था, युवा तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड में अपने रिहाब का खर्च खुद उठाया। 22 साल के शाहीन शाह अफरीदी जुलाई 2022 में श्रीलंका में पहले टेस्ट में फील्डिंग के दौरान घायल हो गए थे। उनके घुटने में चोट आ गई थी जिसके कारण वो एशिया कप से बाहर हो गए थे। उन्होंने T20 विश्व कप से वापसी की है, लेकिन जब पीसीबी ने उनके इलाज का खर्च नहीं उठाया तो इससे शाहिद अफरीदी खासा नाराज हुए थे। और अब महिला क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा, ये हाल है पाकिस्तान का, पीसीबी का, और करने चले हैं भारत से बराबरी। पहले आप अपने प्लेयर्स को संतुष्ट कर लीजिए, उन्हें अच्छी सुविधा दे लीजिए, उसके बाद बात आएगी तुलना की। अभी तो पीसीबी भारत के क्रिकेट बोर्ड के आगे कहीं टिकता ही नहीं। आपको बता दें, पीसीबी से अलग बीसीसीआई ने भी पिछले ही महीने बड़ा ऐलान करते हुए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मैच फीस को भी पुरुष क्रिकेटर्स के बराबर कर दिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने बताया, अब से महिलाओं को भी पुरुष के समान ही मैच फीस मिलेगी। टेस्ट क्रिकेट में एक मैच के लिए 15 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि वनडे इंटरनेशनल में पुरुषों को एक मैच के 6 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए पाकिस्तान की हालत का, लेकिन दिखाएंगे ऐसे जैसे भारत का इनके बिना काम नहीं चल सकता। पाकिस्तान को जरूरत है आंखें खोलने की, ताकि अपने स्तर पर और भारत के स्तर पर थोड़ा नजर डाल सके, दोनों के बीच में अंतर को समझ सके। वैसे आप पाकिस्तान के महिला क्रिकेट कप्तान के पीसीबी के धज्जे उड़ा देने वाले बयान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।